छोटाना जी, हर गांव हर साल हर गांव में जा रहे हैं सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से पूछा करते हैं और इतनी ग्रांट दी थी उस टाइम पे छोटाला साहब ने कि उस टाइम की पंचायतों से खर्च नहीं हुई थी। हुड्डा साहब की जब सरकार आई 2005 में तो कई सौ करोड़ रुपए वापस मंगाए थे हुड्डा साहब ने जो पंचायतों को चौधरी ओम प्रकाश छोटाला ने दे रखे। आज क्या हालत है, सरपंचों को पावर देते नहीं है। कहते तो ये थे हम सरपंचों को पंचायतों को ज़्यादा पावर देंगे, लेकिन ज्यादा पावर की बजाय उनकी पावर छीन ली। 2 लाख रुपए तक की पावर दे रही थी, 2 लाख रुपए में तो नाली भी नहीं बढ़ती। इसलिए कभी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में इस किस्म के काम नहीं हुए जो ये सरकार गलत कर रही है। क्या इस यात्रा से परिवर्तन होगा, क्या लगता है, जैसे समीकरण बदलेंगे कुछ? जैसे चौधरी देवलाल जी ने जब 1986 में पद यात्रा की और 87 का चुनाव आया 87 का, तो 90 में से 85 सीटें जीती थी, वही हाल होगा आपकी बार। किसी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर? ये सारी बात हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कर दी है कि इस सरकार को हटाने के लिए किसी से भी समझौता किया जा सकता है। नहीं, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं कि इनेलो का जो डीएनए है वो सिर्फ बीजेपी से मिलता है, कांग्रेस से मिलता नहीं है, और बीजेपी से अगर डीएनए मिलता है तो डीएनए की टेस्टिंग लेबोरेटरी धनखड़ साहब के पास है क्या? चौधरी देवलाल जी जो हमारे फाउंडर हैं, जिन्होंने पार्टी बनाई है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो तो ज्वाइंट पंजाब में पंजाब के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी पहली बार MLA बने थे तो कांग्रेस से बने थे। तो धनखड़ के पास लेबोरेटरी है क्या कोई इस किस्म की, वो डीएनए टेस्ट कराएं? इस चौटाला साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस देश हित में जो ठीक फैसला होगा वो हम करेंगे और हमें किसी से परहेज नहीं है। ये जो इस किस्म की बयान ये लोग देते हैं, इनका अपना राजनीतिक स्वार्थ है और कोई नहीं। जब स्पष्ट तौर पर चौटाला साहब ने कह दिया कि देश हित में जो फैसला होगा इस सरकार को हटाने के लिए हम वो करेंगे, किसी से भी गठबंधन हो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है।